जाके लगता है कंप्लेन करना पड़ेगा। वैसे अभी हम जा रहे हैं हेल्प बॉक्स में कंप्लेन करने की, यहाँ का ट्रैफिक लाइट खराब हो चुका है। तो ये लोग देख सकते हैं रुका है, भैया खराब है, निकल जाइए। तो ये लोग को बता दिए निकलने के लिए, बिकॉज ये खराब हो चुका है बहुत देर से और ये सब अभी ठीक होने वाला नहीं है। देखिए निकल जाइए, निकल जाइए। अभी आइए इस साइड जाते हैं और इन लोग को थोड़ा हेल्प कर देते हैं। भैया ये 10 मिनट से खराब है, निकल जाइए, निकल जाइए। तो भैया लोग को बता दिए कि ये खराब है और यहाँ से निकल। ओके सो गाइस, अभी हम लोग पहुँचे थे गोलगढ़। गोलगढ़ में पता चला कि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट खराब हो चुका है, एक तरह से पूरा सीज हो चुका है, स्टॉप हो चुका है 47 सेकंड पे जाके, वो भी ग्रीन लाइट पे जाके नहीं रुका है, ये रुक गया है रेड लाइट पे। तो जितना भी इस तरफ से आदमी लोग आ रहे हैं गांधी मैदान की तरफ से, वो यहाँ गोलगढ़ के पास आके रुक जा रहे हैं। सबको यहाँ पे परेशानी हो रही है कि मतलब अगर आगे जाएंगे तो चालान कट जाएगा बिहार में, जैसा कि आप लोगों को पता है। और बहुत ज़्यादा इंसान को यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो रहा है इस चालान के वजह से। अच्छा फंक्शन किया गया था वैसे चालान का, ये डबल हेलमेट एंड ऑल, सिक्योरिटी बढ़ा था और डिसिप्लिन भी बढ़ा था। अभी भी रुका हुआ है, देख सकते हैं इतना सारा आदमी है। अभी हम बहुत देर से कम 20 मिनट से देख रहे हैं सबको, 10-10 मिनट लोग। भैया अभी आइए इस साइड जाते हैं और इन लोग को थोड़ा हेल्प कर देते हैं। भैया ये 10 मिनट से खराब है, निकल जाइए, निकल जाइए। तो भैया लोग को बता दिए कि ये खराब है और यहाँ से निकलने नहीं बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा जाम यहाँ पे लग जाएगा। तो खराब है, देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे जाम लगते जा रहा है, जाके लगता है कंप्लेन करना पड़ेगा। वैसे अभी हम जा रहे हैं हेल्प बॉक्स में कंप्लेन करने की, यहाँ का ट्रैफिक लाइट खराब हो चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हेल्प बॉक्स के पास, देख सकते हैं यहाँ पे 47 सेकंड पे ये रुक चुका है और बहुत सारा यहाँ पे जितना भी ट्रैफिक वाले सब है, सबको यहाँ पे आने के बाद कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, बिकॉज आगे जाएंगे तो चालान कट जाएगा। ये देख लीजिए साफ साफ यहाँ पे 47 पे रुका हुआ है, बहुत कोई जा भी रहे हैं और आगे जाने के बाद चालान कटने का भी संभावना है। मतलब चालान कट रहा है तो मेरे पास यहाँ पे प्रूफ है कि भाई जब यहाँ पे 47 लिखा हुआ है रेड लाइट है फिर भी यहाँ आगे नहीं जा सकते, लेकिन आदमी रुके तो रुके कितना देर, यहाँ देख सकते हैं 47 पे ही पूरा रुका हुआ है। तो ये सब कुछ इस तरीके का प्रोग्रेस किया गया अपना बिहार में, बताइए ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ये है गोलगढ़ के ठीक सामने वाला, तो देख सकते हैं यहाँ पे सब कोई रुक रहा है, ये अच्छा खासा ट्रैफिक जाम भी लग रहा है फ्री में। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक लाइट के पास सब कोई रुके हुए हैं, पूरा लंबा लाइन चुका है। लेकिन आप लोग को बता दें यहाँ का जो ट्रैफिक लाइट है वो खराब हो चुका है, देखिए यहाँ पे हैंग हो चुका है और पूरा लंबा यहाँ पे जाम हो चुका है पूरा ट्रैफिक, बिकॉज ये हैंग हो चुका है, खराब हो चुका है। अभी हम लोग जा रहे हैं हेल्प बॉक्स के पास इसका कंप्लेंट करने के लिए, तो यहाँ पे ये ठीक कर दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा फंक्शन दिया गया है अपना बिहार सरकार की तरफ से कि एक हेल्प बॉक्स है जो कि आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। क्रॉसिंग के पास रुक गए, तो ऐसे ही बहुत देर से रुका जा रहा है। तो देख सकते हैं अभी लोग ट्रैफिक लाइट के ऊपर है और ये ट्रैफिक लाइट पूरा खराब हो चुका है। तो ये लोग देख सकते हैं रुका है, भैया खराब है, निकल जाइए। तो इन लोग को बता दिए निकलने के लिए, बिकॉज ये खराब हो चुका है बहुत देर से और ये सब अभी ठीक होने वाला नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे गाड़ी आ रही है और सब कोई रुका जा रहा है, निकल जाइए, निकल जाइए। देख सकते हैं ट्रैफिक लाइट खराब है, फिर से यहाँ पे आधा घंटा से जाम पे जाम लग रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाया कि अभी हम लोग गोलघर के पास थे और गोलघर से अभी हम लोग आ चुके हैं बुद्धा कॉलोनी मोड़, यहाँ पे हम लोग आए हैं यहाँ पे कंप्लेन करने। तो चलिए सीधा कंप्लेन करते हैं। हेलो कंट्रोल रूम। जी सर, मैं अभी गोलघर के पास से गुजर रहा था और मैंने देखा कि गोलघर का जो ट्रैफिक लाइट है वो खराब हो चुका है, तो काफ़ी लोगों को परेशानियाँ आ रही है 20 मिनट से। तो सबको मतलब 47 सेकंड में जाके स्टॉप हो गया है, तो सबको आते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा ठीक करवा दिया जाए आप लोग की तरफ से। जी मम्मी गया था, सुबह में गया था। अच्छा आया। ओके सर, जैसा कि देख सकते हैं सर बताएं कि सुबह में भी ठीक करने के लिए गए थे और अभी भी मतलब वहाँ पे फिर से भेजा जाएगा टीम को ठीक करने के लिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बहुत अच्छा लगा, अब हम लोग कहीं भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ओके सो गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।